अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अवर टीम। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली यूट्यूब की एक अपडेट आई है जिसमें जो है नए यूट्यूबर के लिए जो मसला था वो और भी पेचीदा कर दिया गया है। जो नए यूट्यूबर हैं तो स्टार्ट में जो है वो लोग 4000 वाच आवर टाइम, 4000 घंटे वाच आवर्स मुकम्मल करने थे अब उनको, और 1000 सब्सक्राइबर वो भी 365 डेज में, यानी एक साल में। अगर कोई भी यूट्यूबर ये 4000 वाच आवर और 1000 सब्सक्राइबर एक साल में मुकम्मल नहीं कर पाते तो उसको जो है ये वापस, मतलब अगेन उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता। जब भी आपके 4000 वाच अगर एक पहले साल में मुकम्मल नहीं हुए तो दूसरे में आपको मुकम्मल करना है, अगर दूसरे में नहीं हुए तो तीसरे साल में आपको मुकम्मल करना है। अब यह तो था एक मसला। अब इसके अलावा एक और भी यूट्यूब ने जो है सारा मसला पेचीदा कर दिया गया है, और नए यूट्यूबर के लिए एक और अपडेट आई है कि अगर इसी दौरान में जो आप ट्रायल बेसिस कह सकते हो आपके चैनल पर एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, जो यूट्यूब के अपने कम्युनिटी गाइडलाइन है, ठीक है, कम्युनिटी स्ट्राइक है, अगर एक भी आपके चैनल पे आ जाते हैं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये अपने जहन में रखे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले ये अपने जहन में रखे कि जो भी है 100% कंटेंट आपके अपने होने चाहिए, कभी भी किसी दूसरों का कंटेंट यूज़ ना करें ताकि आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन जो मसला है वो ना आए, वरना आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो नए यूट्यूबर को एक बताता चलूं कि जिनके चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुए तो उसको एक साल में 4000 वाच आवर, 1000 सब्सक्राइबर और उसके साथ उसके चैनल पे कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आना नहीं चाहिए। अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए और आपने ये दो सब्सक्राइबर वाच आवर वाला काम मुकम्मल किया है तो तब भी आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो यही वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।